Welcome to very first class of Master in English Literature. First of all, I'll tell you about English Literature, then about course outline, then we will discuss our very first book, Love and Divine Poems by John Donne. I'll tell you about John Donne and then I'll teach you very first poem, Good Marrow. Master means expert in something. If a man is expert in 30 laptops, aap use laptop ka master nahi mante. Mehz 30 laptop wo janta hai, usne 30 laptop study kiye hain, aap use master nahi kehte. Master. Same like if you are expert in 25 books, how can you be a master in literature? This is a question. So be brave. Agar university aapko 50 books ke expert hone par master ki degree deliver kar rahi hai, to aapko intellectual honesty deliver karni chahiye. Khoob aur ba maksad kaam karna chahiye. Question is, what is literature? Means, universe of ideology. ख्यालात की एक कायनात. ये झूठी कहानियां हैं मगर ये आइडियल ट्रूथ्स हैं. ट्रूथ्स सच हैं. झूठे करैक्टर्स हैं मगर ट्रेंड सेटर हैं. सच सेटर हैं. देयर आर मैनी काइंड ऑफ लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड. उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. कभी ग्रीक लिटरेचर दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर था, आज इंग्लिश लिटरेचर है. मैंने प्रोफेसर आरफिस से 1 वीक क्लास ली. पढ़ने के बाद मैंने पूछा उनके साथ वाली चेयर पर बैठकर, लिटरेचर ही पढ़ना है तो हिंदी लिटरेचर क्यों ना पढ़ लूं, एमए उर्दू लिटरेचर क्यों ना कर लूं. उन्होंने लंबे बालों के बीचों बीच मुझे देखा, काफी देर तकते रहे और जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा, उठकर चले गए. और कई साल बाद मैंने उनको जियो ऑफिस में देखा. वो मुझसे तब भी नाराज थे कि इसने मुझे कहा क्या है. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू लिटरेचर्स. उर्दू लिटरेचर कॉपी है, इंग्लिश लिटरेचर ओरिजिनल है. देयर आर 5 पेपर्स इन पार्ट 1, पोएट्री, ड्रामा, नावल, प्रोज, अमेरिकन लिटरेचर. हर एक पेपर में राउंड अबाउट 5 बुक्स हैं. पोएट्री में 6 पोइट्स हैं. हम पोएट्री की बुक्स को ज़्यादातर पोइट के नाम से पुकारते हैं. जैसे हम कहते हैं कैंटरबरी टेल्स, नहीं हम कहते हैं चासर पढ़ा है आपने, मिल्टन पढ़ा है, पोप पढ़ा है आपने, इसी तरह जॉन डन पढ़ा है. तो जॉन डन की बुक आपके सिलेबस में है, लव एंड डिवाइन पोइम्स. ऐसी पोइम्स जो मोहब्बत के बारे में हैं और डिवाइन खुदा के बारे में हैं, गॉड के बारे में हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लव एंड डिवाइन पोइम्स ऑफ जॉन डन. इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 पोइम्स हैं. 3 क्वेश्चंस हैं. पीयू के स्टूडेंट को पोइम्स की टेक्स्ट अच्छे से तैयार करनी चाहिए. बिकॉज क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज कंपल्सरी. ये क्वेश्चन नहीं करेंगे रेफरेंस कंटेक्स्ट का, जो टेक्स्ट के बगैर नहीं होता, तो वो आपको फेल कर देंगे. उसके बगैर
कोई चारा नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा गुजरात या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, वो अपना पैटर्न देखेंगे। फिर भी इन स्टूडेंट्स को टेक्स्ट इसलिए इंजॉय करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव पार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का मोस्टली यहीं से होता है, टेक्स्ट में से होता है, या क्वेश्चन आंसर्स पर खूब अच्छी ग्रिप हो जाए आपकी, इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़नी चाहिए फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। माई टॉपिक इज जॉन डन, लव एंड डिवाइन पोएम्स में सबसे पहले हम जानते हैं हु इज जॉन डन, इस बुक का राइटर कौन है। 1572 में पैदा हुआ, 1631 में इसकी डेथ हुई, यानी कि ये 16th और 17th सेंचुरी का पोएट है। लंदन में पैदा हुआ, आहा, फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ वेमेन, औरतों का दिल दादा था। लव एंड रिलीजन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएट्री, ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। कहें मेरे साथ, मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, लिख लीजिए अपने रजिस्टर पर, मेटाफिजिकल पोएट, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, ये क्या भला है। मेटा मींस बियॉन्ड, दूर, फिजिकल मींस फिजिकल दुनिया, सामने पड़ी हुई सॉलिड दुनिया, यानी कि सामने जो ट्री ठहरा है, माउंटेन ठहरी है, गुलाब ठहरा है, ये उससे हटकर किसी चीज़ की बात करता है, ऐसी चीज़ की बात करता है जो मौजूद तो है लेकिन फिजिकल नहीं। क्या कह रहे हैं सर, सिंपल ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टी से नहीं है, जैसा कि साउल साउल रू, लव इमोशंस, एंजल्स, गॉड, गॉड को आप छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं, एंजल्स को छू नहीं सकते, इमोशंस को छू नहीं सकते, जज्बात को, लव लव को आप नहीं छू सकते, हाँ लव करने वाले शख्स को छू सकते हैं, आप बॉडी छू सकते हैं, रूह को नहीं छू सकते। तो ये क्या है, ये बियॉन्ड फिजिकल हो गए चीजें, तो ये मेटाफिजिकल पोएट है। और बियॉन्ड फिजिकल यानी कि फिजिकल दुनिया से दूर चीजों की बात करता है। छोड़िए इस बात को, किस चक्कर में पड़ गए हम, इस बात को छोड़ दीजिए, नहीं आई समझिए, अब गौर करें। मेटाफिजिकल पोएट वो होता है जो कंसीट का इस्तेमाल करे, जो कंसीट, कंसीट से विद मी, कंसीट, CONCEIT, कंसीट, जो कंसीट का इस्तेमाल करे। सर अब ये कंसीट क्या होती है, ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो। मेरे साथ ये सेंटेंस कहें, कंसीट क्या होती है, ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बाज़हर बेजोड़ हो, बेजोड़ हो। कंपैरिजन क्या होता है, दो चीजों का मुआवजना करना। डेविस का मुआवजना किया, डेविस शेर है, डेविस का मुआवजना शेर से हो गया, ये कंपैरिजन की एग्जांपल है। ऐसा कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हो, इस चीज को कंसीट कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट ऐसे कंपैरिजन यूज करते हैं। आपसे मैं पूछूंगा मेटाफिजिकल पोएट कौन होते हैं, आप आंसर देंगे मेटाफिजिकल पोएट वो होते हैं जो अपनी पोएट्री में कंसीट इस्तेमाल करें। मैं पूछूंगा कंसीट क्या होती है, आप कहेंगे वो कंपैरिजन जो बाज़हर बेजोड़ हों। देखे तो ऐसा लगे ये तो कोई जोड़ ही नहीं बना। एग्जाम्पल,
दिलकशी क्या कहें, नाजगी क्या कहें, जिंदगी क्या कहें। दिलकशी क्या कहें, नाजुकी क्या कहें, ताजगी क्या कहें, जिंदगी क्या कहें। दिलकशी क्या कहें, नाजुकी क्या कहें, ताजगी क्या कहें, जिंदगी क्या कहें। हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा, हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा, जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया। दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे शराब आ गया, जाम चलने लगे। जी, तो आपने देखा, हाथ में हाथ उसका वो ऐसे लगा जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया, हाथों में गुलाब आ गया। ये कंसीट नहीं है। वाह वाह, क्या खूब सर पाया है आपने। सांग सुनाया, एग्जांपल दी, लेकिन आपने कहा ये कंसीट नहीं है। उसने कहा, मैंने जब अपनी महबूबा के हाथ को अपने हाथ में थामा है, उसके अंदर नाजगी थी, जिंदगी थी, ताजगी थी। ऐसे था वो हाथ नरम, जैसे मेरे हाथ में कोई गुलाब आ गया हो। यानी कि महबूब के हाथ को कंपेयर किया गया है, बोलिए, महबूब के हाथ को कंपेयर किया गया है गुलाब से। ये कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन रीजनेबल है, हमें अच्छा लगता है, फिजिकल है, समझ आ जाती है। फूल नाजुक होता है, हाथ नाजुक होता है, बात क्लियर है, वाजे है, इसीलिए ये कंसीट नहीं है। एक और एग्जांपल देखें। ऐ मेरी महबूबा, तुम और मैं ऐसे हैं जैसे कंपस हो, जैसे प्रकार हो। आपने मैट्रिक में प्रकार, ज्योमेट्री, प्रकार इस्तेमाल की होगी, कंपस इस्तेमाल की होगी। एक लेग के अंदर पेंसिल ठहराते थे, दूसरी लेग नोकदार होती थी, उसे टिकाते थे मजबूती के साथ अपनी नोटबुक पर। कंपस कहते हैं उसे, प्रकार। ऐ मेरी महबूबा, तुम और मैं ऐसे हैं जैसे के कंपस हो। आपने कहा जोड़ी नहीं बना, आपने कहा ये क्या बात हुई, तुम और मैं ऐसे हैं जैसे कंपस हो, जोड़ी नहीं बना। ये बेजोड़ कंपैरिजन है, यकीनन है, और यही कंसीट है। पोएट आगे बताता है कि क्यों कंपस की तरह है मैं और मेरी महबूबा। वो कहता है, मेरी महबूबा, तुम सेंटर वाली लेग हो, तुम सेंटर में नोकदार सेंटर वाली लेग हो और मजबूती से ठहरोगी, तो मैं किसी और शहर में रोजी रोटी के लिए जाऊंगा, मैं किसी और दुनिया में जाऊंगा, सफ़र करूंगा, सफ़र करता रहूंगा, और आखिरकार तेरे पास लौट आऊंगा, दोनों लेग्स मिल जाएंगी, और फिर मैं जहां भी जाऊं, ऊपर से टॉप से हम दोनों जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, और मेरा दायरा पूरा करना, दूसरे शहर में जाकर काम करना उसी वक्त ही मुमकिन है जब तुम मजबूत हो। तो बताइए, बाज़हर तो ये कंपैरिजन बेजोड़ था, लेकिन जब आपने इस पर गौर फिक्र किया तो ये कंपैरिजन लॉजिकल था।
इसी लॉजिकल को कंसीट कहते हैं, यानी कि बाज़ाहिर तो बेजोड़ हो लेकिन गौर व फिक्र करने पर गहरा हो, सरप्राइजिंग हो, लॉजिकल हो, ऐसे कंपैरिजन को कंसीट करते हैं, कहते हैं। और कंसीट कौन यूज करते हैं? मेटाफिजिकल पोइट। और जॉन डन कौन है? मेटाफिजिकल पोइट। यही इसका टॉप क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तमाम यूनिवर्सिटीज में रेज होने वाला क्वेश्चन है कि जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। अब आपको पता चल गया कि आगे जो हम काम शुरू करने वाले हैं तो हमें पता चलेगा कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है और वो बाज़ाहिर बेजोड़ कंपैरिजन करेगा, लेकिन जब वो उसकी गहराई में जाएंगे सरप्राइजिंग होगा और लॉजिकल होगा। आपके पास बुक की सूरत में नोट्स हैं, ऊपर एक्यूट पोएट्री लिखा हुआ है। देखें ऊपर ब्राउनिश और येलोइश कलर में ये बुक है, नोट्स हैं, एक्यूट पोएट्री लिखा है, पेज नंबर है 512। सर्च कीजिए इसके अंदर पेज नंबर 512, 512। अगर आप 512 से पिछले पेज को देखेंगे तो यहाँ पर एक तस्वीर है, ये किसी बिल्ले की तस्वीर नहीं है, ये जॉन डन की तस्वीर है। पेज 512 पर मैंने उर्दू में जॉन डन का एक इंट्रोडक्शन दिया है। जॉन डन की तारीख पैदाइश में कदरे तजाद पाए जाते हैं, कुछ लोग 19 जून को भी। तो पेज 513 पर जॉन डन के मैंने बारे में बताया है इंग्लिश में। जॉन डन 1572 to 1631 वॉज अ इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट। पेज नंबर 514 पर मैंने जितने भी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होने थे पोएट्री के अंदर, मैंने उनकी न्यू वर्ड्स लिख दिए हैं। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब खरेक, टेयर, तोड़ना। मैंड्रिक, आगे मैंने मीनिंग लिखा, प्लांट। ये 30-40 लफ्ज हैं, आपके लिए आसानी पैदा करेंगे आगे पोएम्स को समझने में। पेज 516, द गॉड मैरो, पहली पोएम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है उर्दू में। इस नज़म में जॉन डन अपनी महबूबा से कहता है कि मोहब्बत करने से पहले हम अजीब लाशौरी और बच्चों जैसी जिंदगी गुजारते थे। पेज 517, द गॉड मैरो का इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ डन एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव। पेज 518, ये है आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट, लाइन टू लाइन टेक्स्ट है। आई वंडर बाय माई ट्रूथ बट दाउ एंड आई, पेज 518। नीचे लिखा हुआ है क्रेक ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, उसको अंडरलाइन किया गया है, अ गिफ्ट फ्रॉम M.K. भुट्टा। तो जितने भी मुश्किल अल्फाज थे पोएम में नीचे लिख दिए गए हैं। पेज 519 पर सामने ही मैंने एक एक लाइन की अलग अलग उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी। पेज 520 पर मैंने तमाम तर पोएम की 3 पैराग्राफ के अंदर इंग्लिश कर दी आसान, कि इस सारी पोएम में पोएट ये कह रहा है। उसके सामने एक 6 पॉइंट्स का पेज बनाया है, पेज 521, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपने पोएम रीड करनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती है, लिखना खुद से होता है, समझना सारा होता है। रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आगे बने हुए हैं। आइए पोएम स्टार्ट करते हैं, द गुड मैरो, पेज 518। यू हैव टू रिवाइज रिपीट विद मी द डिफिकल्ट वर्ड्स, आपने मुश्किल लफ्ज को छोड़ना नहीं, मेरे साथ रिपीट करना है। आप भूल जाएंगे, आपने रिपीट करते रहना है, आप फिर भूलेंगे, लेकिन आखिर आपकी प्रोनंसिएशन आखिर ठीक हो जाएगी। प्रोनंसिएशन, आई वंडर बाय माई ट्रूथ
ट्रूथ, ट्रुथ नहीं, ट्रूथ. व्हाट दाओ, दाओ एंड आई. डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वीन्ड टिल देन बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली और स्नोटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन. It was so. But this all players fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired, and God, that was but a dream of thee. And now, good marrow to our waking souls, which watch not one another out of fear, for love all love of other sides controls, and makes one little room, and everywhere let see discoverers. To new worlds have gone, let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each has one and is one. My face in thine eye, thine in mine eye appears, and true plain hearts do in the faces rest. Where can we find two better hemispheres? Hemispheres. आधे दायरे, हेमिसफेयर्स आधी दुनिया, आधे दायरे. विदाउट शॉर्ट नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट. शॉर्ट नॉर्थ सर्द दुनिया, सर्द. डिक्लाइनिंग वेस्ट डूबता हुआ, मुरझाया हुआ वक्त. वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्स्ड इक्वली, इफ अवर टू loves be one, or thou and I love so alike that none can slacken, none can die. Good marrow, moro nahi padhna, moro nahi kehna, good marrow, jaise ma ho, halanki o hai, good marrow. Line to line translation dekhiye. I wonder, मैं हैरत ज़दा हूँ, हैरान हूँ. बाय माय ट्रूथ, अपने ईमान की कसम खाता हूँ. ईमान से मैं हैरान हूँ. व्हाट दाओ, दाओ, दाओ के तुम एंड आई, के तुम और मैं. डिड टिल वी लव्ड, डिड क्या थे, टिल वी लव्ड जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी. ऐ मेरी महबूबा, मैं हैरान हूँ, मैं ईमान से कहता हूँ. तुम और मैं क्या थे जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी. इस पोइम के अंदर पोइट का ये कहना है कि जब तक हम मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए थे, हमारी खुशियाँ बहुत छोटी थी. हम बच्चों की तरह थे, हमारी खुशियाँ बच्चों जैसी थी. जब हमने मोहब्बत की तो हमारी रूहें जागी हैं, हमारी गुड मॉर्निंग अब हुई है. अब हम एक दूसरे को गुड मैरो कहें. इससे पहले की ज़िंदगी फजूल थी. तुमसे मोहब्बत करने से पहले अगर किसी और लड़की से मुझे चाहत भी हुई थी, वो समझो कि तेरी परछाई थी, फजूल थी, वो कुछ भी नहीं था. और हमारी दुनिया एक दुनिया है जो बाकी तमाम दुनियादारों से खूबसूरत है. पूरी दुनिया से अच्छी दुनिया हमारी मोहब्बत की दुनिया है, और ये दुनिया कभी ना ख़त्म होने वाली है. आई वंडर बाय माय ट्रूथ, मैं हैरान हूँ. बाय माय ट्रूथ और हैरान हूँ, ईमान की कसम, सच की कसम, खुदा की कसम. व्हाट दाओ एंड आई, कि तुम क्या थी, आई मैं क्या था, डिड थे, टिल वी लव्ड जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी, सवाल निशान है. Were we not weaned till then? Weaned, क्या हम छोटे बच्चों की तरह नहीं थे तब? Weaned वो बच्चे होते हैं जो माँ का दूध छोड़कर ठोस गिज़ा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. 6 या 8 माह का बच्चा, क्या हम 6-8 माह के बच्चे की मर्द नहीं थे?
बट सख्त ऑन कंट्री प्लेयर्स, हम सख्त इंजॉय करते थे, लेते थे, सख्त हासिल करते थे. क्या कंट्री प्लेयर्स, छोटी छोटी सामने नजर आने वाली खुशियाँ, खिलौने की खुशी, ट्रीज की खुशी, किसी खूबसूरत नज़ारे की खुशी, चाइल्डिशली बच्चों की तरह. जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी, हमारी खुशियाँ ऐसी थी जैसे छोटे बच्चों की खुशियाँ होती हैं, अब तक पोइट ने ये कहा है. और स्नोटेड, या हम ऐसे थे जैसे हम सोए हुए हों. स्नोटेड, खराटे लेना. स्नोटेड, स्नोटेड, नोटेड, पता चलता है खराटे लेना, सोना. वी, हम सोए हुए थे. इन द सेवन स्लीपर्स डिन, सात सोने वालों की केव, डेन, केव, केव में, गार में. भाई एक मिथ है, एक कहानी है कि सात क्रिश्चियन थे और इस डर से कि उनका एम्परर किंग उन्हें कत्ल ना कर दे, वो एक डेन में, गार में छुप गए और कई हज़ार साल बाद वो दोबारा जागे थे. बाहर करेंसी भी तब्दील हो चुकी थी, लोग भी बदल गए थे. वो कहते हैं कि हम ऐसे जैसे सदियों से सोए हुए लोग हों, हम ऐसे थे. जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी, हम ऐसे थे जैसे सेवन स्लीपर्स की गार में देर से सोए हुए लोग हों. दैट वॉज सो, मैंने इसको दैट क्यों पढ़ा, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी आगे आई है, यानी कि एच और ए टी इसका कम है. दैट वॉज सो, ऐसा ही तो था. बट जिस, लेकिन अब जब हम मोहब्बत में हैं, ऑल प्लेयर्स फैंसीज भी, अब ऑल प्लेयर्स, पहले की तमाम खुशियाँ फैंसीज भी, वो हमें तसव्वुराती लगती हैं, फजूल लगती हैं, ख्वाब लगती हैं, झूठी लगती हैं. अब जब हम मोहब्बत कर बैठे तो बाकी खुशियाँ सब झूठ हो गईं. इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर मैंने कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी भी हो पहले, विच आई डिज़ायर्ड, खूबसूरत कि मैंने ख्वाहिश कर बैठा हूँ उस लड़की को हासिल करने की, एंड गॉड, और इतनी ज़बरदस्त ख्वाहिश कि उसको हासिल भी किया हो, दैट वॉज, वो थी बट अ ड्रीम ऑफ दी, वो जस्ट तेरा एक ख्वाब था, वो तेरी परछाई थी. ए मेरी महबूबा, तुमसे पहले मैंने जितनी मोहब्बतें की हैं वो मोहब्बत की प्रैक्टिस थी, वो झूठ था, वो तेरी परछाई थी, वो तेरे ख्याल था, वो तेरी मेल बराबर भी नहीं. इनकी यू आर द ओरिजिनल वन, असल मोहब्बत ये है. एंड नाउ गुड मैरो टू आवर वेकिंग साउल्स, अब मोहब्बत कर बैठे तो मोहब्बत की तो रूह जाग गई. तो फिर वो कहता है हमारी जागने वाली रूहों को गुड मॉर्निंग, जैसे कोई कहता है वेलकम, वो कहता है गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग साउल्स, जागे तो हम आज हैं जब हम मोहब्बत में मुब्तला हुए हैं, इससे पहले तो हम सोए हुए थे तवील नींद, सेवन स्लीपर्स की डेन में. विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ एयर, हमारी मोहब्बत मजबूत है क्योंकि हम एक दूसरे को खौफ से नहीं देखते. जब एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद हो जाए, खौफ ख़त्म हो जाता है धोखे का. हम एक दूसरे को बग़ैर खौफ के देखते हैं, जैसे यकजान हो, फॉर लव और मोहब्बत. ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, फॉर लव और इस मोहब्बत के लिए बाकी तमाम चीज़ों की मोहब्बत ख़त्म हो गई. कंट्रोल्स का मतलब दूर हो गई, साइड्स का मतलब खूबसूरत नज़ारे चीज़ें, लव का मतलब खूबसूरत नज़ारों से मोहब्बत. तुमसे मोहब्बत करने के बाद बाकी तमाम खूबसूरत नज़ारे, उनसे मोहब्बत नहीं रही. ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कंट्रोल की जगह पर आप फिनिश कर लें, ऐसे बन जाएगा कि बाकी तमाम नज़ारे या चीज़ों की मोहब्बत फिनिश हो गई. एंड मेक्स वन लिटल रूम, और हमारी अपनी एक जगह बन गई, एक रूम बन गया, एक दुनिया बन गई. एंड एवरीवेयर, और जहां भी हम जाएं तो हमारी दुनिया, मोहब्बत की दुनिया हमारे साथ है.
लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, समंदर में डिस्कवरी करने वालों को नई से नई दुनियाएं, हैव गॉन, तलाश करने दो। सी डिस्कवरर्स को नई से नई दुनियाओं में जाने दो। उन दिनों में ये बात मशहूर थी, कोलंबस नया जजीरा अमेरिका दरियाफ्त कर चुका था, तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें था। उसने लेटेस्ट न्यूज़ का जिक्र किया है अपनी पोएम में कि समंदर में सफ़र करने वालों को नई से नई दुनियाएं तलाश करने दो, जाने दो, हमें मोहब्बत करने दो। लेट मैप्स टू अदर, और फिर मैप्स, नक्शे बनने दो। वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, दुनियाओं के ऊपर नई दुनियाएं जहर करने दो नक्शों में। यानी कि लोग नक्शे बना रहे थे कि यहाँ पर ये जजीरा है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर टर्की है, यहाँ पर सोने की चिड़िया इंडिया है, यहाँ पर नया जजीरा दरियाफ्त हो गया है अमेरिका है। तो ये बड़ी चार्मिंग थी, लोग नक्शे खरीद रहे थे। कहते हैं लेट मैप्स टू अदर, वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड हैव शोन, चलो मैप्स के ऊपर अदर्स, दूसरे लोगों को नई से नई दुनियाएं शोन, दिखाने दो। यानी कि दो बातें की, समंदर में जाकर लोगों को नई दुनियाएं दरियाफ्त करने दो, नक्शों के ऊपर नई दुनियाओं को उभरने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, आओ हम एक दुनिया रखें। ईच हैज वन, हम दोनों के पास एक एक दुनिया है, एंड इज वन, और दोनों की दुनिया एक ही है, यानी कि मोहब्बत की दुनिया। माई फेस इन दाइन आए, मेरा चेहरा तुम्हारी आंख में, आंखों में चेहरा नजर आता है ना। दाइन इन माइन अपेयर्स, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में जहर है। एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स, और सच्चे सादा दिल, डू इन द फेसेस रेस्ट, वो चेहरों से आया होते हैं। तेरा चेहरा मासूम, मेरा चेहरा ब्रेव, मेरा चेहरा ग्रेस, मेरा चेहरा ग्रेस, तेरा चेहरा ब्यूटी, और सादा सादा चेहरे, सादा चेहरों के पीछे ट्रू प्लेन हार्ट्स हैं। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिसफेयर्स, इससे बेहतर आधी आधी दुनिया कहाँ हम तलाश करेंगे। आधी अच्छी दुनिया मेरे पास, आधी अच्छी दुनिया तुम हो मेरी महबूबा, और हम मिलकर एक मुकम्मल दुनिया बनते हैं। और हमारी दुनिया में विदाउट शॉर्ट नॉर्थ, ना तो इसके अंदर शॉर्प नॉर्थ है, ना तो इसके अंदर सख्त सर्दी है। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, ना ही इसके अंदर ग़ुरूब आफ्ताब है। यानी कि हमारी दुनिया के अंदर ना तो डिक्लाइनिंग है, मौत है, मुरझाना है, और ना ही सख्त सर्दी है। फिज़िकल दुनिया के अंदर ये चीज़ हो, सख्त सर्दी है कहीं पर तो कहीं पर गर्मी है, तो कहीं पर सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तो कहीं सूरज निकल रहा है, तो कहते नहीं, हमारी दुनिया एक जैसी है। वॉट एवर डाइज, वो कहता है डिस्ट्रक्शन उसे आती है, डिस्ट्रॉय वो चीज़ होती है, वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, जो इक्वली मिक्स नहीं होती, जिसमें बैलेंस नहीं होता, तबाह वो जगह होती है जिसमें बैलेंस नहीं होता। If our two loves be one, अगर हमारी दो मोहब्बतें एक जैसी, एक हैं, तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, उनका मरकज एक है, are thou and I love so alike, या हम दोनों एक दूसरे से alike, एक जैसी मोहब्बत करते हैं, तो that none do slacken, ना तो हम में कोई slacken होगा, कमज़ोर होगा, none can die, ना ही हमारे अंदर, हमारे दरमियान में कोई मर सकेगा। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लाइन्स हैं। सेकेंड स्टेंजा में लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैज वन एंड इज वन। लास्ट टू लाइन्स ऑफ सेकेंड स्टेंजा, दीज आर इम्पॉर्टेंट वन। ये पोएम जब एक न्यू स्टूडेंट या मैंने किया था पहले पहल, तो मुझे 6 आवर्स में ये पोएम समझ आई थी। ट्रांसलेशन मौजूद थी, वर्ड मीनिंग मौजूद थे, उसके बावजूद तो
अब आपने ये पोएम जस्ट 15 और 20 मिनट्स में समझ ली है. सो देर आर ऑल्सो ओनली 3 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. दिस इज योर होस्ट लेक्चरर एम के भूटा एंड माय पर्पस ऑफ टीचिंग इज ओनली वन एंड दैट इज सेव टाइम, वक्त बचाना है. बस जो काम 15 आवर्स में होना है वो काम 2 और 3 आवर्स में हो जाना चाहिए. और हम अब जिस इरा में रहते हैं वहाँ पर इतने ही काम की ज़रूरत है. ओके, सेव योर टाइम. सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर बीइंग अ बाबा. फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333-4655-305.